सानिया एदीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता के नए रूप को लेकर लोगों के बीच जाने जाते हैं। एनडीटीवी में खबर को वो अपने तरीके में पेश करके वो कई लोगों के चहेते बन चुके हैं। बीते दिनों जब खबर आई कि अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के 29.18% शेयर खरीदे है और एनडीटीवी को भी खरीदने की योजना बनाई है, तो सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को लेकर काफी चर्चा होने लगी। वहीं अब ये भी खबर आई है कि प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। 27 सालों के बाद रवीश कुमार और एनडीटीवी का नाता टूट गया। अब खुद रवीश कुमार ने ये खुलासा कर दिया है कि एनडीटीवी छोड़ने के बाद अब वो कहां अपनी पत्रकारिता का प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ट्विटर पर रवीश कुमार ने जानकारी दी है कि वो एनडीटीवी से इस्तीफा ले चुके हैं और लिखा है कि माननीय जनता, आप सभी मेरे होने में शामिल है, मेरी दौलत आप सबका प्यार है। आप लोगों से मैंने एक तरफा और लंबा संवाद किया है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। यही अब मेरा नया पता होगा। हम सबको गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ना है। आपका रवीश कुमार।